Welcome. You're with us for a very special conversation as we take a look uh, at India 2030. What's in store, and uh, you know we take a look through budget analysis as well. Joining us, a very special guest. We got Vivek Bindra, the founder and CEO of Bada Business. He's uh, a motivational speaker and inspiration. Uh, he's someone who a lot of entrepreneurs look to for guidance. He's broken lots of uh, Guinness records, and I'm sure he'll tell you a lot more about. Uh,

Uh, आप एज एन आइडेंटिटी आप एक इंग्लिश स्पीकर हैं और फिर भी आप हिंदी में प्रयास कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद अवर चैनल इज ऑल्सो हिंदी चैनल एज एन आइडेंटिटी आई ए हिंदी स्पीकर तो मैं प्रयास करूंगा कि उत्तर सारे आपको हिंदी में दूं पहला मैं शुरू करता हूं कि यू के ना एक्चुअली सेवेंटीन गोल्स हैं ये महत्वपूर्ण सत्रह गोल्स हैं उन सत्रह गोल्स जो कि भारत को सुपर पावर बनाने में मदद करेंगे उसमें से ग्यारह में इससे में हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं मैं उदाहरण दे देता हूँ हंगर है हेल्थ है इक्वालिटी ऑफ जेंडर है सफाई सैनिटाइजेशन है इसके अलावा इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इनक्वालिटी है तो अगर इन एरियाज़ में ख़ास से जस्टिस पीस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन पार्टनरशिप विद दी गोल्स ये ग्यारह एरियाज़ हैं जहाँ हम कमजोर चल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत को एक सुपर पावर 2030 में देखना चाहते हैं तो पहला हमें करप्शन ख़त्म हो करना होगा और करप्शन खत्म करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर आप जजेस बढ़ा सकें अभी राइट नाउ वी हैव अबाउट ट्वेंटी जजेस पर टेन लाख पीपल एंड इफ यू कैन टेक इट टू पचास जजेस पर टेन लाख पीपल तो जजमेंट जल्दी आएगा यूएस में आप देखते हैं कि जजमेंट बहुत जल्दी आता है नौ महीने में आता है या नौ साल में आता है जितना जल्दी जजमेंट आएगा उतना आदमी चिंता करेगा अपराध करने से पहले दूसरा मुझे लगता है कि स्टेट्स को बड़े स्ट्रांग पी एन एल की तरह इंसेंटिवाइज करके ड्राइव करना चाहिए जिससे स्टेट्स अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कंट्री अच्छा परफॉर्म करेगा तीसरा मुझे लगता है कि जिस देश का शिक्षक यानी कि एजुकेशन सिस्टम व्यवस्था कमजोर रहेगी वहाँ दिक्कत रहेगी तो अगर हम फैकल्टीज़ को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इंसेंटिवाइज़ करें उनके बच्चों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं कि जितने बच्चे आपकी क्लास में सरकारी स्कूल के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं बेसिस हम सरकारी स्कूल के टीचर्स को भी इंसेंटिवाइज़ कर सकें टीचर ट्रेनिंग बजट को बढ़ाना चाहिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए और कॉरपोरेट को ही खाली बिजनेस करना चाहिए रेलवेज एयरलाइन ऑयल एंड गैस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं इसको कई लोग बुरा मानते हैं मेरी नज़र में बहुत अच्छा है स्कॉलरशिप मुझे लगता है बच्चों के लिए एक लाख करोड़ का जिससे मेरिटोक्रेसी को हम आगे बढ़ाएं आ, इसके अलावा ब्यूरोक्रैट्स कभी कभार थोड़ा स्लो रह जाते हैं बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद अगर उनको स्टिक इन कैरेट मॉडल में उनका स्टिक तो बहुत मजबूत है सी भी तंग करता है सी भी करता है सी भी करता है इतना ऑडिट होता है इतना चेक होता है, पर अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसको कोई कैरेट नहीं है अगर वो कुछ बड़ा अचीव करेगा तो कुछ तो कोई पूछता नहीं है कोई तारीफ नहीं होती है तो उसको कैरेट भी देना स्टिक के साथ साथ वो बहुत जरूरी है और फाइनली मैं कहूंगा कि आप लेबर इंटेंसिव बिजनेस में आप आउटकम ड्रिवन इंसेंटिवाइजेशन लेके आते हैं हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाते हैं बेसिकली ये मेरा एक एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है रेड टेपिज्म को अगर रेड कारपेट कर सकें अगर आप बिजनेस को को इंसेंटिवाइज कर सकें लर्निंग के साथ में टैक्सेस को थोड़ा रैशनलाइज कर सकें ये कुछ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो इसमें मैं ज़्यादा बात भी करता हूँ और काफी ज्यादा बात करता हूँ मुझे लगता है कि आई आंसर मोर इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन जी इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग सो मेनी यूनिकॉर्ज यू नो हर नौ दिन के uh, करीबन एक नया यूनिकॉन यू नो शेप ले रहा है बट वैन वी टेक अ लुक एट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस हम फिर भी बहुत पीछे हैं ये कैसे सॉल्व हो सकता है बहुत अच्छा मैं उत्तर से पहले बता दूं ना पक्ष ना विपक्ष आई एल नॉट एक्चुअली फेवर एनी गवर्नमेंट आई एल ओनली टॉक अबाउट द मेन प्रिंसिपल्स विच आर इंपॉर्टेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम 63 थ्री हैं आपने ठीक बोला आउट ऑफ 190 कंट्रीज लेकिन स्टार्टिंग बिजनेस में यानी कि हम शुरू करने ही नहीं दे रहे हैं अपने बिजनेसेस को भारत के अंदर आज माइक्रो ऑन्ट्रप्रन्योरशिप जो गाँव के अंदर या एक लाख की पॉपुलेशन के छोटे इलाकों में किया जा सकता था उसमें हमारी रैंक वन है एक देशों में बहुत पीछे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस की मुझे लगता है काफ़ी कमी है रेस्टोरेंट शुरू करने के पैंतालीस डॉक्यूमेंट चाहिए आपको लेकिन गन खरीदना बहुत आसान है हमारे देश में गन के लिए आपको कम लाइसेंसेस चाहिए होते हैं टैक्सेस भी इस समय लोग नहीं पे कर रहे हैं एक रैंक आ रही है एक देशों के बीच में और सबसे ज़्यादा बुरा जो मुझे हमेशा लगता है वो है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ईमानदारी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको पूरा किया जाए जो वचन दिया उसको निभाया जाए उस मामले में प्राइवेट कंपनीज भी बहुत पीछे रह गई हैं इंडिया जो है इसमें काफ़ी पीछे देखा जा रहा है तो ये अगर आपको चाहिए कि हम स्टार्टअप्स को इम्प्रूव करें तो पहले ये समझते हैं कि ये देखो आदमी वहीं फोकस करता है जहां पे उसको लगता है कि रिजल्ट आएगा और स्टार्टअप्स में रिजल्ट आ रहा है ऑलरेडी बहुत सारा रिजल्ट आ रहा है इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम सिस्टम साठ हज़ार हमारे देश में स्टार्टअप्स हो चुके हैं और बयालीस बिलियन डॉलर पिछले साल के मुकाबले जो कि ग्यारह बिलियन डॉलर था इस साल हमने बयालीस बिलियन डॉलर हमने रेज किया है नियरली फोर टाइम्स चार गुना ज़्यादा फंड रेज़ किया है छियालीस यूनिकॉर्न नए ऐड हो गए हैं यानी कि नब्बे यूनिकॉर्न है हर नौ दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है पर जो टैक्स हॉलीडे सरकार ने दिया मुझे लगता है वो कमज़ोर है जो टैक्स हॉलीडे सरकार ने एक्सटेंड किया मुझे लगता है कि क्योंकि जो स्टार्टअप है वो पहले तो लॉस में ही रहता है आपने तीन साल का उसको टैक्स का बेनिफिट दिया तीन साल बाद वो प्रॉफिट में आता है टैक्स ले लेते हो तो अगर उसको एक्सटेंड कर सकें दुबई में टैक्स हॉलीडे पचास साल का है एटलीस्ट इसको पाँच साल एक्सटेंड किया जाना चाहिए था उससे बेनिफिट होता अब इन्वेस्टर स्टार्टअप में उसको भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए इन्वेस्टर अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कहीं जा करके वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म गेन पे यहाँ पे टेन परसेंट का टैक्स है और स्टार्टअप इकोसिस्टम में ट्वेंटी परसेंट है मुझे लगता है इसको रैशनलाइज करना चाहिए सिंगापुर में ज़ीरो कैपिटल गेन पे टैक्स है इसीलिए सिंगापुर कई जगहों में बहुत अच्छा है हमसे मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स हम ला सकेंगे इनक्यूबेटर एक्सेलरेटर इसके लिए दिल्ली सरकार ने भी कुछ काम करना शुरू किया भारत सरकार ने किया पर बहुत ज़रूरत है चौबीस एक्सेलरेटर्स एक्सेलेटर्स इस समय चाइना के पास है इनक्यूबेटर हैं पंद्रह अमेरिका के पास है भारत के पास केवल तीन है तो यंग पॉपुलेशन है इसके लिए काम करना चाहिए हमारे को ज़्यादा इको को करना चाहिए जिससे ये बेनिफिट मिल सकता है और हमने भी इस पे काफी काम किया है अब इफ यू अलाउ एंड इफ आई मे आई कैन एड वट यू डन हमने बड़ा बिजनेस का कम्युनिटी बना दिया है आप देखते हैं कि फेसबुक है फ्रेंड्स फैमिली के लिए इंस्टाग्राम है पिक्चर शेयर करने के लिए यूट्यूब है लिंक्डइन जॉब्स के लिए है ट्विटर इस समय पोलिटिकल सोशल ओपिनियन के लिए लेकिन ऑन्तरप्रेन्योर्स के लिए कोई कम्युनिटी नहीं है सिलिकॉन वैली से कम्युनिटी इंडिया आई है इस बार पहली बार भारत से कम्युनिटी पूरी दुनिया जा रही है हमने एक फेसबुक एक लिंकड बना दिया है ऑन्ट्रप्र्योर्स के लिए हमारी बड़ा बिजनेस ऐप जो नई ऐप हमने अभी लॉन्च किया है एक महीना पहले उसको डाउनलोड कर रहे हैं और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा आप ऐप डाउनलोड करिए हमने एक ऐसा कम्युनिटी बनाया जहाँ बिजनेस मैन ऑन्ट्रप्रोर इन्वेस्टर स्टार्टअप प्रोफेसर जो मैनेजमेंट के हैं कॉन्टेंट क्रिएटर एम एस एम ई एस एम ई सोलोप्रोन वो ऑन्ट्रप्र्यूर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यही लोग मिलते हैं और इनको हम लोग उनका रेपुटेशन इनका रेवेन्यू इनका रिलेशनशिप हम बढ़ा रहे हैं और त, क्योंकि रेलिवेंट ऑडियंस नहीं थी ऑन्ट्रप्रन्य के लिए कोई फेसबुक में सब फ्रेंड्स एंड फैमिली थे कोई लोकल लैंग्वेज में लीड जनरेट करना उनको बिजनेस को बड़ा करना उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं था तो हमने ऐसा एक कम्युनिटी बनाया और यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों के एक लाख फॉलोअर पहले सौ दिन में बन जाते हैं लोग बहुत तेज़ ग्रो कर रहे हैं ये हमने एक फ्री कम्युनिटी है बेसिकली जैसे फेसबुक करता है जैसे लिंक काम करता है ऐसे ही हमने बड़ा बिजनेस ऐप बना दिया है तो यहाँ पर आप आके मैनेजमेंट इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी मैनुफैक्चरिंग मोटिवेशन एच लीगल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन सब कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर आकर के लोग काफ़ी कॉन्टेंट बना रहे हैं डाल रहे हैं यहाँ पर और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है विवेक जी बजट के दौरान ऐसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं जो हमको इन सारी चीज़ों की तरफ और बढ़ा सके यू नो इट्स सेड दैट इट्ड आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री हैज़ द बजट और एनी ऑफ द इनिशियटिव दैट है कैन स्ट्रेंथन द एम एस एम ई इंफ्रास्ट्रक्चर एम एस एम ई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बैकबोन है आपने जैसा बताया अभी आभा आभाजी दो लाख करोड़ का इस समय एलोकेशन किया गया है कोलेट्रल फ्री लोन के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको भी पचास हज़ार करोड़ का एक्सपेंशन मिला है 2023 तक किया गया है ये देखने में अच्छा है लेकिन प्रोवाइडेड अगर ये लोन लोगों को मिल सके बैंक इससे मैं लोन दे नहीं रहा आपकी 59 मिनट्स की भी स्कीम है ओवरऑल अगर आप इको सिस्टम को समझें क्योंकि आपने एम की बात किया है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि साढ़े तीन करोड़ एम एस हैं चाइना के अंदर और हमारे पास सात करोड़ एम एस हैं हम उनसे डबल हैं लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जी पर साठ परसेंट है और हमारा तीस परसेंट है यानी कि हम हाफ हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के मामले में इसको टोटल देखेंगे ध्यान से तो ये वन फोर्थ हो जाता है आज अगर आप देखोगे अट्ठारह हज़ार एम हर दिन चाइना में शुरू हो रहे हैं हमारे देश में एक ही हज़ार शुरू हो पा रहे हैं कहाँ अट्ठारह हज़ार पर डे कहाँ एक हज़ार एम पर डे तो इकोसिस्टम में बहुत डिफरेंस है मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन बढ़ाना चाहिए तेरह करोड़ है तेरह करोड़ में से साढ़े करोड़ रजिस्टर्ड हैं बाकी रजिस्टर्ड नहीं कच्चे में बिजनेस कर रहे हैं साधारण भाषा में बोलूँ मैं इनफॉर्मल मार्केट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में और इनफॉर्मल मार्केट में उस बेचारे को लोन भी जो है चौबीस परसेंट छत्तीस परसेंट पर मिलता है अगर सरकार रजिस्ट्रेशन कराए तो सात परसेंट नौ परसेंट पर उसको लोन मिल जाएगा गवर्नमेंट को जीएसटी भी मिलता है टैक्सेस मिलते हैं गवर्नमेंट कितना ग्रो करता है मुझे लगता है स्कूल खाली पड़ी बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करना चाहिए लोकल हब एंड स्पोक मॉडल में एम की अगर आप हाँ बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट पे अगर ऑन्तुर्प्रिय के साथ काम करें और कंपलसरी कर दें एक एमएसएमई की एजुकेशन को और उसको पीएलआई एल दे दें उसके लिए जैसे सर्व शिक्षा अभियान है उसमें मिड डे मील एक इंसेंटिव है कि गरीब बच्चा आता है उसको मिड डे मील फ्री खाना मिलता है वो पढ़ता नगर निगम बाल माध्यमिक विद्यालय ऐसे ही अगर एम को भी अगर आपने एजुकेशन को इंसेंटिव कर दिया वहां पर इंसेंटिवाइजेशन कर दिया वो सीख गया तो वो टैक्स भी देगा डिफॉल्ट भी नहीं करेगा लोन सारे चुकाए जाएंगे और गवर्नमेंट के लिए ग्रोथ है तीसरा मैं इसमें पांच सुझाव दूंगा आपको तीसरा सुझाव जो मुझे लगता है कि जो मैंने बताया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं लोग पैसा नहीं लौट चुकाते हैं लौटाते हैं इसमें तो हम पाकिस्तान नेपाल इराक जाम्बिया वियतनाम मेक्सिको इनसे भी पीछे चल रहे हैं एक सौ रैंक पे हैं उसके लिए ऐसे एमएसएमई रिकवरी नहीं कर पा रहे एमएसएमई समाधान योजना देश में हमारी सरकार ने लागू तो किया है पर वो लगभग फेलियर के नज़दीक मैं उसको मानता हूँ एक लाख केस आता है तो उसमें दस हज़ार सेटल होता है नब्बे हज़ार सेटल नहीं हो पाता है तीस हज़ार तो रिव्यू में रह जाता है तो किसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसा कर सकें कि कुछ कॉरपोरेट लॉ के अराउंड हम लोग और काम कर सकें और नंबर ऑफ़ जजेज़ अगर हम और बढ़ा सकें इस एरिया में और वो किस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेानैनिज़म आ जाए हमारे लीगल सिस्टम में तो काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा और एक क्लस्टर डेवलपमेंट पर अगर आप ध्यान दें क्लस्टर डेवलपमेंट पे इस साल काम भी हुआ है बात भी किया गया है क्योंकि देखिए क्लस्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो इस बार निर्मला सीतारामन जी ने लॉन्च किया मुझे उसके लिए काफ़ी खुशी है मेरी एक्सपेक्टेशन भी इसमें कुछ पूरी हुई है चाइना में सौ से ज़्यादा ऐसे स्पेसिफिक जोन है फर्नीचर का शहर कपड़ों का शहर मोबाइल का शहर बिजली का शहर टॉयज का शहर टाइल्स का शहर भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है और अगर ये हो जाए एक ही जगह पर बिजनेस होगा तो लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचेगा फॉरन करेंसी आएगा बाहर से विदेश Yes, it'll lead to lots of benefits. आप startup guru का you know अवतार भी लेते हैं spot funding show horses stable पे. ऐसे platform कैसे uh, change कर सकते हैं businesses का future? Uh, you know funding is a key problem uh, faced by start-ups जैसे सबको पता ही है. हाँ, हमने एक horses stable एक program launch किया है. और वो हमारे चैनल पे और जीएनटी पे आता है हॉर्स स्टेबल उसके हमने तेईस एपिसोड डाले आखिरी एपिसोड अभी खत्म हुआ है रेसिंग के लिए ये ऑन द स्पॉट रियलिटी फंडिंग शो हमने लॉन्च किया ट्वेंटी थ्री एपिसोड में हमने करोड़ों रुपए का फंड एक स्टार्टअप को दिया आई थिंक ठीक है we'll, we'll और छत करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये बन गई है इंडिया की सबसे बड़ी स्पॉट फंडिंग इन्वेस्टमेंट सोचो आप सिंपल भाषा में एक आम आदमी को ये लगता है कि मेरे को आइडिया देके पैसा मिल सकता है कितनी बड़ी बात है सो क्रिएटिंग होप हम लोग भांग से प्रोडक्ट्स बनाते हैं मैन्युफैक्चर चारकोल ब्रिकेट माय मास में एक Excel फैन यूनिट है हम लोग गधी के दूध से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं सुनील शेट्टी जो बॉलीवुड के एक्टर है उनका प्रोडक्शन कंपनी टीवी टुडे नेटवर्क और बड़ा बिजनेस इन तीनों की पार्टनरशिप में हमने इसको लॉन्च किया हाउस जजीता भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे आपको मेंटर कोच एडवाइज़र पैसा स्टार्टअप गुरु सब मिलते हैं मेरा रोल एक स्टार्टअप गुरु का है इसमें मैं आता हूँ एज ए स्टार्टअप गुरु यहाँ पे आकर के आप खुराई नहीं करेंगे दोबारा ट्राई करेंगे आप स्ट्रांगली मेंटल होने की जगह जहाँ हो जाते हैं लोग आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे आपके लिए होपलेस एंड end, आपको एंडलेस होप क्रिएट करके देगा देखिए जो फंडिंग है ना वो मिल नहीं पा रही है लोगों को एंजल इन्वेस्टमेंट invest, में मिलने में कितना तकलीफ आ रहा है आज लीड एंजल इंडिया एंजल मुंबई एंजल चेन्नई एंजल बहुत कुछ है लेकिन दो ही परसेंट लोगों को पैसा मिलता है इसीलिए हमने इसको चालू किया और इसमें स्मार्ट कैपिटल मिल रहा है बड़ा बिजनेस आकर के लाइफ टाइम मेंबरशिप देता है ट्रेनिंग देता है कोर्सेज देता है स्टार्टअप को आज इन्वेस्टर्स आपके साथ इन्वेस्ट करें या नहीं करें मैं आपको पर्सनल मेंटरिंग के लिए जरूर इन्वाइट करूंगा हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करेंगे ताकि आप अपने स्त्री प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाएं और महिलाओं को और एम्पावर करें मैं आपको हमारे 75 डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं हमारे आपको लाइफ टाइम से कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करना चाहूंगा तो ये हमने काफ़ी काम किया इसके अराउंड और आई थिंक वो लोगों ने वीडियोज़ को बहुत पसंद किया मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि ट्वेंटी थ्री एपिसोड इनमें कुछ एपिसोड बहुत इंस्परेशनल है आप जाके देखना चाहिए आप जी एन टी पे या हमारे चैनल पर देख सकते हैं आ, एक बहुत करेज मिलता है और सीरियस प्रोग्राम है मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इसको बड़ा एक बिग बॉस टाइप हो हल्ला किया है एक सीरियस कॉन्टेंट हमने यहाँ आ करके बिल्ड किया है कि जिसमें आप देखें क्या एक एक्चुअली क्या आवाज इस स्टार्टअप को पता चल जाता है कि इन्वेस्टर्स कैसे बिहेव करेगा और इन्वेस्टर से मुझे मांगना क्या है इक्विटी देनी कैसे है ऑल राइट एंड यू नो आखिरी में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जॉब क्रिएशन सबके यू नो माइंड पे है सबसे इम्पॉर्टेंट है uh, आपको लगता है कि बजट ने इस बार इसको ठीक से एड्रेस किया है आगे जाके के यू नो हमारे कंट्री पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है ग्रोथ पे क्या हो सकता है और आप बड़ा बिजनेस पे भी इतना सब कुछ करते हैं ऑन्ट्रप्रिनरशिप के लिए स्किलिंग के लिए uh, तो कैसे ये सब चीज़ें आगे जाके और आगे बढ़ के यू नो एको को इम्प्रूव कर सकते हैं दो प्रश्न है आपके एक गवर्नमेंट ने क्या किया इस बार जॉब क्रिएशन के लिए दूसरा बड़ा बिजनेस क्या करता है पहले मैं गवर्नमेंट का बता देता हूं गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन के लिए अपस्किलिंग रीस्किलिंग बहुत कर रहा है तीन हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है लेकिन केवल दो परसेंट स्किल्ड लेबर है इसका मतलब क्या हुआ चाइना में तीस परसेंट स्किल्ड है इंडिया में दो परसेंट है इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे प्रोग्राम्स इफेक्टिव नहीं है तभी आप देखते हैं कि टिम को काके पब्लिकली स्टेटमेंट देते हैं कि क्राफ्टमैनशिप और सफिस्टिकेशन लेबर की मुझे चाइना में मिलती है इसलिए मैं चाइना में ही काम करना चाहता हूँ वहां फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ तो यहां पर जो है ना इफेक्टिव नहीं है हमारा प्रोग्राम अगर उसे करना है तो आपको रिफॉर्म लेके आना है पैच वर्क नहीं और रिफॉर्म के लिए आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मैं अगर क्विक आपको सात आठ आइडिया दे सकूं पहला रजिस्ट्रेशन को तेज करना चाहिए दूसरा बिना बात के रेगुलेशन से उनको हटाना चाहिए तीसरा जैसे आधार है ऐसे ही बिज़नेस का यूनिक एंटरप्राइज नंबर होना चाहिए अगर बिजनेस का यूनिक एंटरप्राइज नंबर होगा तो ये नहीं कि अभी जीएसटी लेके आ अभी पैन नंबर अभी ये नंबर अभी वो नंबर अभी ऐसा नंबर एक नंबर सारा काम हो जाए अब मैं इसके बाद बोलूंगा कि कमर्शियल कोर्ट ले आए कमर्शियल कोर्ट्स आ जाते हैं तो डिस्प्यूट फटाफट खत्म होते हैं ज़्यादा बढ़ने चाहिए कंप्लाइंस से सारे के सारे विंडोज़ पर अलग अलग ना जाना पड़े डिजिटलाइज हो जाए अब अगर इंस्पेक्टर राज हुआ करता था पहले हाँ उसमें क्या है आपको अगर इंस्पेक्शन भी करना है तो वो भी डिजिटल हो जाए ऐसा नहीं कि हमारे ऑफिस को इंस्पेक्शन करने आ रहा है सिंगल विंडो हो जाए कि एक ही जगह जा करके मेरा बिजनेस चालू हो जाए ऐसा नहीं कि मुझे पचास जगह जाना पड़े लोन्स एंड ग्रांट ईलि मिल जाए अपने आप बिजनेस बड़ा होगा और आपने पूछा हमारा क्या रोल है देखिए हम एक प्लेटफॉर्म है जो ऑन्ट्रप्रनियरशिप सिखाते हैं और इसीलिए हम इसी तरीके के शोज भी लेके आए जो मैंने आपको बताया कि हॉट टेबल जहाँ फंडिंग मिल रहा है आज हमारे सौ से ज़्यादा कोर्सेज हैं आज हमारे अस्सी बिलेयर प्रोफेसर हैं और पाँच सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स मिल करके पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं बत्तीस मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है सो so, आज 125 में हजारों लाखों करोड़ों लोग आकर इसका लाभ उठाते हैं तो बड़ा बिजनेस अपना काम कर रहा है लेकिन सरकार से हम और पुष्ट करना चाहेंगे इस पे काम किया जाना चाहिए और इसको और बड़ा करना चाहिए धन्यवाद थैंक यू सो मच विवेक जी थैंक यू सो मच ग्रेट चैटिंग विद यू टूडे Thank you, Bob Bottonema. Thank you very much.